प्लानिंग की बैठक में आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो फर्स्ट फेज हमारा बैठक का पूरा हो, इसके बाद सेकेंड आपकी मीटिंग चलेगी, लंबी हुई बैठक से, और हमने किसी विधायक को रोका भी नहीं क्योंकि सबने विस्तार से अपने क्षेत्र की बात कही है। 15 माननीय विधायकों ने अभी तक अपनी बात कही है और इसके पश्चात 5 बजे हमारा दूसरी बैठक का दौर शुरू होगा, वो देर रात तक चलेगा, तो पूरी बात को सुनेंगे, उसके बाद जो भी इसमें सरकार की ओर से करने की बातें हम भी करेंगे। सर कितना इम्पोर्टेंट है विधायक अपनी बात कर देते हैं? तय होती है कि आपके नाबार्ड की स्कीम कौन सी होगी, इसी में तय होती है आपके विधायक प्राथमिकता की स्कीमें क्या होंगी, प्रायोरिटीज क्या होंगी, और उसके मुताबिक आगे स्कीमें बन करके तैयार होती हैं, उसके बाद उसके लिए स्वीकृति आती है और उसके बाद पैसा आने के बाद वो काम होता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। सर विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताओं को जो है प्राथमिकता नहीं मिलती और जो काम विधायक प्राथमिकता से होते हैं उनको कार्यक्रम में नहीं। आज आंकड़े दिए हैं, मैं उस सारी बात को लेकर के अब कहने नहीं चाह रहा हूँ। जहाँ जितना पैसा उन्होंने 4 सालों में जो है वो विधायकों की प्रायोरिटीज के हिसाब से और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो खर्चना था, हमने उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया है, कई गुना ज़्यादा स्कीमें उनको दी, तो इसलिए उनकी व्यवस्था मजबूरी होगी, जो कहना हो वो कहते रहें, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम किया है और पूरे हिमाचल के विकास के लिए काम करते रहे। सर पुलिस कर्मियों ने जो है बटालियन में फिर से जो है खाना छोड़ दिया है, इस बारे में मुझे जानकारी। सर कल आप सर